नमस्कार दोस्तों स्वागत है शोमुस बयालॉजी की और एक वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे वल्व्यूलर हार्ट डिजीज के बारे में मतलब वर्व रिलेटेड हार्ट की वर्व रिलेटेड जो भी डिजीज है उसको वेल्वुलर हार्ट डिजीज कहते हैं तो वल्व्युलर हार्ट डिजीज सिम्टम्स वेलव्यूलर हार्ट डिजीज रीजनस वेलव्युलर हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट्स तो ये सारी चीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे तो देखो वल्वुलर हार्ट डिजीज को समझने से पहले आपको जाना जैसे कार्डियोवेस्क्युलर प्रॉब्लम ये हार्ट की बीमारी है तो इसके लिए आपको हर्ट की स्ट्रक्चर के बारे में कैसे वो फंक्शन करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए जो मैं बहुत ही आ, कम समय में आपको आ, देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर देखो दिस इज जस्ट हाउ द हर्ट लुक्स लाइक ऐसे हर्ट दिखने में होता है ह्यूमन हर्ट छोटे साइज में ही ये और ये एक क्रॉस सेक्शन व्यू है हर्ट की ये दोनों मॉडल को लेकर ही मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको तो इस दोनों मॉडल को मैं आपको दिखा देता हूँ तो बेसिकली हर्ट का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में हर्ट इज प्लेस्ड हियर राइट एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन हियर तो यहाँ से हर्ट की काम यही होता है इट्स वर्किंग लाइक अ पंप तो बेसिकली जो पानी की सिस्टम होता है हमारे घर में और पंप बैठा होता है पंप क्या करता है पानी को नीचे रिजर्वर से ऊपर उठाता है ऊपर से भी बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है हर्ट का रोल बॉडी में सिर्फ वही है ये बाकी जगह से जो ब्लड है वो ब्लड को लेकर आता है हर्ट में और हर्ट से वो पंप होकर बॉडी की बाकी जगह में फैल जाता है तो यहाँ पर जो लंग जो है इन, इन, इन बीच लंग ऑक्सीजन ब्लड में ऐड करता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है और ब्लड में ऑक्सीजन जब आ गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर्ट से होते हुए बॉडी के सारे हिस्से में पहुंच जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड ब्लड है वो बाकी जगह से कलेक्टेड होकर हार्ट पे आ जाएगा हार्ट उसको फिल से कर, lung, lung फिर से लेकर लंग में आएगा लंग लंग फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा ऑक्सीजन को ऐड करेगा तो ये प्रोसेस चलता रहता है और हार्ट कभी छुट्टी नहीं लेता है छुट्टी नहीं बनाता है तो बिकॉज हार्ट नीड टू वर्क ऑलवेज और जब भी हार्ट ये काम करता है आपको जब हर्ट आ, नजर आता है तो बेसिकली वी ड्रॉ दिस पान की तरह एक शेप ड्रॉ करते हैं और उसमें एक देखिए बीट दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्ट वो बीट करता है राइट right? ये जो हार्ट बीट होता है ना उसमें साउंड होता है साउंड को लव डब बोलते हैं लव डब लव डब तो ये हार्ट बीट और हार्ट बीट को जानने के लिए आप सिंपली यहाँ पर कान दे सकते हो आपको पता चल जाएगा आप हाथ को ऐसे चेक कर सकते हो वहाँ पर भी आपको पल्स नजर आएगा और पल्स मतलब वहाँ पर वो हार्ट की जो बीट होता है उस हिसाब से जितना ब्लड मूव करता है उस हिसाब से पल्स भी डिनोट होता है तो यहां पर किसी इंसान जिंदा या मर चुका है उनको जानकारी के लिए हम हार्ट बीट ही चेक करते हैं पल्स चेक करते हैं राइट तो यहां पर हार्ट बीट बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट बीट की साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें पता है कि डॉक्टर्स जब भी हम जाते हैं तो स्टेथो लेकर हार्ट बीट चेक करते हैं हालांकि अभी के डॉक्टर्स बहुत कम करते हैं ये आई आई एम रियली शॉक्ड राइट व्हाई क्यों नहीं करते हैं पहले के डॉक्टर्स तो बहुत करते थे हार्ट बीट चेक करना फिर ऐसे मतलब बाकी सारे फिजिकल एग्जामिनेशन में बहुत कॉमन एक टेक्निक है वो हार्ट बीट को चेक करना किसी भी बीमारी हो जाए मगर यहाँ पर, पर पर्टिकुलरली जो हार्ट बीट है एक अच्छा डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट को पता होगा कि हार्ट बीट साउंड कैसा करता है आपको हमें पता नहीं चलेगा कि नॉर्मल साउंड है या अब नॉर्मल साउंड है मगर एक कार्डियोलॉजिस्ट जो ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट है उनको पता चलेगा कि ये जो साउंड है ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल क्योंकि जो भी हार्ट की वल्ब की बीमारियां हैं उसमें हार्ट की साउंड में प्रॉब्लम आता है और साउंड को डिटेक्ट करने के साथ साथ डॉक्टर तुरंत कुछ टेस्ट आपको करने को कहेंगे उसमें इको कार्डियोग्राफी रहेगा उससे हमें यह पता चल जाएगा तो अभी बात कर कि डिजीज मतलब वर्ल्ब क्या है हार्ट में कुछ वर्ब्स है देखो वर्ल्ब बहुत सिंपल से टर्म में मैं अगर एक्सप्लेन करूं मैंने आपको बताया कि एक पाइपलाइन है जिससे पानी जाता है अभी आप चाहते हो कि पानी घर ए से घर बी में जाए एक घर से दूसरे घर में बी से ए में मत आए ए से बी में जाए तो ऐसा पाइप है तो पाइप में पानी जा रहा है पानी के डिरेक्शन इस तरफ भी हो सकता है उल्टे तरफ भी हो सकता है राइट तो हम नहीं चाहते कि पानी बी से ए घर में आए तो उस बीच हमने बल्ब लगा सकते हैं बल्ब का मतलब यह होता है कि जैसे कि एक दरवाजे के टाइप होते हैं जो एक ही तरफ खुलता है दूसरी तरफ नहीं खुलता है तो बल्ब ऐसा ही है ये एक ही दि दि दिशा में खुलेगा दूसरी दिशा में बंद ही रहेगा खुलेगा नहीं तो एक ऐसा बल्ब हमने लगाया कि यह बल्ब सिर्फ ए से बी के तरफ ही खुलेगा बी से ए एक तरफ बंद हो जाएगा खुलेगा नहीं राइट तो यही टेक्निक यही चीज हर्ट में भी मौजूद है देखिए हर्ट में हर्ट का जो बीट है ना उस बीट को कैसे डिटरमाइन होता है बेसिकली हर्ट का दो स्ट्रक्चर होता है यहां पर एट्रियम और वेंट्रिकल एट्रियम मतलब ऊपर वाले हिस्सा दो हिस्सा दो वेंट्रिकल नीचे वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर होता है ये वेंट्रिकल हो गया लाल कलर का देख सकते हो और एट्रियम ऊपर दो ये हिस्सा एट्रियम हो गया अभी बात ये होता है कि ब्लड एट्रियम में आता है एट्रियम में से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा कैसे जाएगा पंप करना होगा तो एट्रियम कंप्रेस ऐसे कंप्रेस करेगा खुद को जब भी ये कंप्रेस करेगा तो ब्लड एट्रियम से होते हुए वेंट्रिकल में जाएगा तो जब भी ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा चला जाने के साथ साथ ये ब्लड बैकफ्लो नहीं करना चाहिए इसको प्रिवेंट करना है इसके लिए यहां पर वल्ब होता है जो बंद हो जाता है जब भी ब्लड वेंट्रिकल में चला गया ये वो बल्ब बंद हो जाएगा उस दो प्रकार के वल्व है यहां पर ये देखो हार्ट का लेफ्ट साइड या राइट साइड ये आपके लेफ्ट और राइट में से अलग कंफ्यूज मत रहेगा हार्ट को ऐसे पकड़े तो ये लेफ्ट ये राइट राइट

ये ब्लू कलर का ये एट्रियम है रेड और ब्लू में जो है मतलब एट्रियम नहीं सॉरी ये आर्टरीज़ है ये वेन है वेन ब्लू कलर का है आर्टरीज रेड कलर का है तो इसको हम एओटा बोलते हैं एओटा मतलब जो सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है हमारी यहाँ पर आर्टरी की जो हार्ट से निकलता हुआ सबसे थिक दैट इज एओटा तो इस एओटा कहाँ से कनेक्ट रहता है यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ ये कनेक्ट रहता है ओके लेफ्ट वेंट्रिकल तो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओटा से होते हुए सारे बॉडी के अलग अलग हिस्से में फैल जाता है राइट right? और ये जब हो जाता है एक डिरेक्शन में ब्लड फ्लो तो जब भी ब्लड यहां से निकल जाता है तब फिर से यहां पर एक वल्ब रहता है उसको हम बोलते हैं एओटिक वल्ब ठीक है bulb, यहां पर इस पिक्चर में इस मॉडल में आप शायद कुछ देख पाओ यहां पर ये यह देखो ये एओटा है रेड कलर का ठीक है तो यहां पर एक कुछ पिक्चर में नजर आ रहा है तीन कलर में दिखाई दे रहा है दैट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर यहां पर स्कीमेटिक्स तो ये परल्ब है और एक बल्ब रहता है देखो यहां पर एक ब्लू कलर का लाइट ब्लू कलर का स्ट्रक्चर ये ये जो है यहां पर इसको हम करते हैं पल्मोनरी आर्टरी ओके पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है पल्मोनरी मतलब वो रिलेटेड टू लंग्स है तो ये ब्लड लेकर लंग्स में जाता है राइट right? तो ये पल्मोनरी आर्टरी

फिर जब ब्लड चला जाएगा तो बंद हो जाएगा अब बंद होने का ही एक साउंड होता है जैसे कि दरवाजा बंद करने पर साउंड आता है ऐसे एक साउंड आता है तो पहला साउंड जब भी ब्लड एट्रियम से होते हुए वेंटिकल में पहुंच कर, पहुंच जाएगा बाइक स्पीड क्लोज हो जाएगा तब साउंड होता है लब उसके बाद जब ब्लड वेंट्रिकल से निकलता हुआ बॉडी के बाकी जगह में फैल जाता है एटिक वल्व क्लोज होता है तब सेकंड साउंड होता है डब तो दो जो साउंड होता है हर्ट का वो लब डब ये वल्व को क्लोज होने के लिए क्लोज होने की वजह से साउंड जनरेट होता है ओके तो अभी बात ये लब डब साउंड चलता रहता है वल्व ओपन क्लोज चलता रहता है अब देखो ये वल्व को ओपन होना है फिर क्लोज होना है तो ये वल्व तब तक काम करेगा जब तक नॉर्मल है ना तो वल्ब में क्या प्रॉब्लम हो सकता है देखो प्रॉब्लम दोनों प्रकार का हो सकता है एक तो है कि ये जो वल्ब है ये पूरी तरीके से क्लोज ना हो थोड़ा बहुत गैप रह गया तो गैप अगर रह जाएगा तो क्या होगा ब्लड का बैक फ्लो होगा क्योंकि वल्ब का जो जो रीजन वल्ब के लिए है यहां पर वो क्लोज करने के लिए ताकि रिवर्स फ्लो ना हो यहां पर रिवर्स फ्लो हो जाएगा अगर लीक रह जाएगा तो उसको हम लीकी वल्ब बोलते हैं जब लीकी वल्ब रहेगा तो ब्लड फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाएगा बैकवर्ड तो ब्लड फ्लो जब बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा यहां पर प्रॉब्लम दिक्कतें के ब्लड फिर से वापस आ रहा है तो ब्लड जितना जाना चाहिए शरीर के अलग अलग हिस, हिस्सों में उतना नहीं दे पाएगा और यही होता है यहाँ पर पर्टिकुलरली इन द एर्टिक भल्ब एओटिक बल्ब अगर ऐसा खुला रहेगा तो ब्लड फ्लो जो है उसमें प्रॉब्लम होगा और और यहाँ पर पर्टिकुलरली बाइकस्मिट ट्राइकस्मिट बल्ब भी ऐसा खुला रहेगा तो ब्लड एट्रियम से वेंटिकल में तो जाएगा फिर से ऊपर आ जाएगा एट्रियम में तो मिक्स हो जाएगा ब्लड और ठीक से काम नहीं करेगा तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिसको हम रिजर्जिटेशन बोलते हैं ठीक है ये एक प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो वल्ब का ओपनिंग है जब खुलता है एट दैट टाइम एक ओपनिंग डायमीटर होता है तो मान लीजिए भल्ब में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ओपन तो हो रहा है मगर डायमीटर कम हो गया जिसको हम स्टेनोसिस बोलते हैं मेडिकल की परिभाषा में स्टेनोसिस का मतलब यही होता है जितना डायमीटर होना चाहिए जगह उससे कम हो जाना उसको स्टेनोसिस अलग अलग जगह पे ये टर्म यूज किया जाता है यहां पर वल्ब का जो डायमीटर तो स्टेनोसिस हो गया तो so, स्टेनोसिस मतलब जितना ब्लड जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट जितना ब्लड हार्ट को पंप करना चाहिए उतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बॉडी की अलग अलग हिस्से में जितना ब्लड जाना चाहिए नहीं जाएगा तो सेल मरने लगेंगे तो वहां पर क्या होगा हार्ट फेलियर भी हो सकता है हार्ट फ्रीज हो सकता है हार्ट की काम बंद हो सकता है तो ये सारी चीजें हो सकता है तो एक तो रिजर्जिटेशन हो सकता है या फिर हो सकता है स्टेनोसिस तो ये दोनों प्रकार का हर्ट वर्ल्ब फेलियर होता है हर् हर्ट वर्ल्ब डिजीज जिसको हम वर्ल्वुलर हर्ट डिजीज या फिर वर्ल्वुलर डिजीज कहते हैं ठीक है अब तो बात करते हैं कि ये दोनों प्रकार की वल्व्यूलर हर्ट डिजीज में डिफरेंस क्या आता है देखो नॉर्मली जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कौन से लोगों में ये प्रॉब्लम आएगा जनरली ओल्ड एज लोगों में क्योंकि एज के साथ साथ ये जो डिजीज है ये प्रोग्रेस करते हैं राइट और कुछ कुछ लोगों में तो ड्यूरिंग बर्थ ही हो जाता है कंजेनेटल मतलब बर्थ के साथ साथ भी ये स्टार्ट हो सकता है

जो डिजीज है वल्वल हार्ट डिजीज इसमें सिम्टम्स क्या आता है देखो तो वल्वल हार्ट डिजीज में सिम्टम्स सिमिलर रहेगा लाइक हार्ट फेलियर जैसे कि आपको एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद, मतलब आप सांस फूलना आपका आप सांस नहीं ले पाओगे ऐसा चेस्ट कंजेशन चेस्ट पेन ये होना महसूस होना पेन यहां पर उसके साथ-साथ डिजीनेस साथ ठीक ठाक से ब्लड अगर सर्कुलेट नहीं होगा बॉडी में नहीं ट्रांसफर होगा तो डिजीनेस रहेगा ऐसे आप अब जैसे कि आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हो आपको टायर्डनेस ज़्यादा मौजूद महसूस होगा ये सब फिर पेन यहाँ पर रेडिएट होना उसके साथ साथ आपको और भी कुछ चीज़ें जैसे कि टायर्डनेस ज़्यादा आना ये सारे चीज़ें सिम्टम हो सकता है हर्ट वल्ब वीकनेस की वजह से और मतलब कि आप जैसे नॉर्मली मान लो कि एक दो किलोमीटर आप पैदल चलते थे अभी वही 100-200 मीटर चलने पर आप की सांस फूल रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि आप ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहे हो और फेंटिंग टाइप का कुछ फीलिंग आ रहा है तो दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ वाल्वुलर हार्ट डिजीज और वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ सो ये सब हो सकता है सो दिस इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम उसके साथ साथ कुछ और चीजें जैसे कि इरेगुलर हार्ट बीट होता है आपका हार्ट बीट अगर चेक किया जाए तो इरेगुलर हो जाएगा और ईसीजी से यह पता चलेगा कि हार्ट बीट इरेगुलर है इसके अलावा भी आपको रैपिड वेट गेन हो सकता है और बुखार भी कुछ कुछ टाइम पे हो सकता है तो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ वर्ल्वुलर हार्ट डिजीज बता है वेल्वुलर हार्ट डिजीज के डायग्नोसिस के बारे में वल्वेलर हार्ट डिजीज को डायग्नोस करना इजी होता है कार्डियोलॉजिस्ट के लिए वो जब भी स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे कि आपके हार्ट बीट के साउंड कैसा है वो साउंड चेंज हो जाता है एक साउंड जिसको मरमर बोलते हैं वो साउंड बदल जाता है हार्ट की वो साउंड से वे ट्रेन फिजिशियन ही आपको बता पाएंगे देर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर हार्ट बीट और तभी वो ई सी जी करेंगे तो ईसीजी से भी आपको हार्ट रेट के बारे में पता चलेगा और पर्टिकुलरली हार्ट कैसे मतलब हार्ट की जो बिहेवियर है नॉर्मल एक इलेक्ट्रिकल बिहेवियर उसके बारे में पता चलेगा मगर उसके बाद ईको कार्डियोग्राफी दिया जाता है एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट ईको कार्डियोग्राफी टू हो सकता है या थ्री हो सकता है आप कलर डॉपलर स्टडी कर लो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी हर्ट और हर्ट के अलग अलग हिस्सा ठीक से काम कर रहा है या नहीं तो पेसमेकर ठीक से काम कर रहे या नहीं या फिर वल्व ठीक से काम कर रहे हैं इस सारे चीज के बारे में डिटेल में पता चलता है विथ इको कार्डियोग्राफी तो ईको कार्डियोग्राफी यहाँ पर एक कम प्राइस में आता हुआ अच्छा टेस्ट है जिससे कि आपको और हमको वर्ल्वलर हार्ट डिजीज के बारे में पता चलता है तो अभी बात करते हैं कि वेल्वुलर हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट क्या है वर्ल्वुलर हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर बेसिकली uh, अगर स्टार्टिंग फेज पे वेल्वुलर हार्ट डिजीज मौजूद है जहां पर स्टेनोसिस होना स्टार्ट हुआ है क्योंकि स्टेनोसिस जो है वो प्रोसेस लॉन्ग टर्म है एक या दो दिन में एक साल में नहीं हो जाता टाइम लगता है तो स्टेनोसिस स्टार्ट फेज है एज फैक्टर यहाँ पर एक काम करता है हाई एज है उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा आपको ब्लड शुगर है या नहीं आपको हाइपर है या नहीं मतलब ब्लड प्रेशर हाई है या नहीं थाइरॉयड का प्रॉब्लम है या नहीं सारी चीज़ को देखने के साथ और बाद ही डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए या फिर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए बोलना चाहिए तो नॉर्मली तो पहले मेडिसिनल ट्रीटमेंट कोई भी चाहते हैं तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो भी है मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश किया जाएगा हार्ट के जो रिदम है उसको नॉर्मल और कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया जाएगा और वो अचीव भी होता है कुछ हद तक मगर वहाँ पर अगर फेल हो जाए हम और यहाँ पर वर्ल्ब की जो कंडीशन है वो बहुत खराब हो जाए और और, और जो बीमार पेशेंट है उनको रिलेटेड टू हार्ट कोई बीमारी है या फिर हेरिडिटरी कोई ऐसा बीमारी है जो उनकी फैमिली हिस्ट्री में आ रहा है या फिर ऐसा कोई है जो रिसेंटली ऐसे बीमारी से मर चुके हैं बहुत जल्दी उनके फैमिली में तो ऐसा होता है तब जाके सर्जरी जल्द सर्जरी करने की बात आता है और सर्जरी में क्या होगा बेसिकली वल्ब रिप्लेसमेंट होता है वर्ल्ब को ठीक किया जाता है तो वर्ल्ब रिप्लेसमेंट क्लोज हार्ट सर्जरी भी हो सकता है ओपन हार्ट सर्जरी भी हो सकता है अभी टेक्निक है जिससे कि वल्ब को विदाउट ओपनिंग द हार्ट भी सर्जिकली रिप्लेसमेंट किया जा सकता है मगर अगर वहां पे वो काम ना करे तो जाके सेकेंडरी और ओपन हार्ट सर्जरी होता है सर्जरी हार्ट ओपन करके वहां पर हम क्या करते हैं बेसिकली uh, वल्व को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो दीज आर द ट्रीटमेंट प्रोसीडियर नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल बट बेसिकली अगर ये प्रॉब्लम है दिस इज अ मैकेनिकल डिजीज तो इसमें कोई मेडिसिन देकर तो वो चीज तो ठीक नहीं हो जाएगा स्टेनोसिस को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं हार्ट के एबनॉर्मल रिदम के वजह से जब ब्लड फ्लो ठीक ना रहे उसको हम रोक सकते हैं और ये सिचुएशन बदतर ना हो उसको हम रोक सकते हैं मगर फिजिकली जो प्रॉब्लम वहां पर हो चुका है उसको हम ठीक नहीं कर सकते विदाउट सर्जरी वो ओपन हार्ट हो या फिर क्लोज हार्ट हो मगर वो सर्जरी चाहिए होगा सो so, अगर ऐसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स में किसी को हो तो आप जरूर कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें दिखाइए और टाइम बिल्कुल गवाह मत कीजिए दिखाइए और ठीक हो जाइए सो दैट्स ऑल अबाउट वर्ल्ड व्यूर हार्ट डिजीज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज इज द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि ये वीडियो अंत तक हर ऐसे वीडियो आप तक तो पहुंचता रहे थैंक यू बाय